आगे बढ़ेंगे, बात एक और बड़ी खबर की करें। दाना तूफान उड़ीसा के से टकराया है, ये जानकारी मिल रही है। तूफान की वजह से भद्रक में कई पेड़ उखड़े हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। आधी रात भद्रक और दीघा तट से टकराया तूफान। तूफान के चलते 300 फ्लाइट, 552 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा के भद्रक में तेज हवाएं और भारी बारिश लगातार हो रही है। तूफान की वजह से भद्रक में कई पेड़ उखड़े हैं, विशालकाय पेड़ गिर चुके हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीएम ने खुद हालात पर नजर बनाई हुई है कि क्या वहां पर होता है। देखिए, लगातार एनडीआरएफ की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, 10 लाख से ज़्यादा लोग थे जिनको शिफ्ट किया गया है, और ऐसे में पहले से लोगों को अलर्ट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लोगों को कहा जा रहा था घरों से बाहर मत निकलिए। मछुआरों से अपील की जा रही थी कि समुद्र के तटों पर मत जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है। और इस वक्त बंगाल उड़ीसा में असर इस तूफान का नज़र आ रहा है, लोग डरे हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी टीम अलर्ट है। तूफान की वजह से कई बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं क्योंकि इतनी तेज़ हवाएँ चल रही हैं कि पेड़ भी उखड़ गए हैं, ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, आधी रात भद्रक और दीघा तट से टकराया है तूफान, यानी कि लैंडफॉल धीरे धीरे तूफान का हो रहा है। अपने समय से पहले ही ये तूफान टकरा गया तट से, लैंडफॉल इसका जारी है। और आप देखिए, क्योंकि जब तट से तूफान टकराता है, जब लैंडफॉल होता है, तो उसके बाद भी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी जो पेड़ होते हैं, विशालकाय पेड़ होते हैं, वो गिर जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। प्रशासन की टीम इसी को लेकर पहले से अलर्ट है कि अगर सिचुएशन कहीं पर ख़राब होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। 5 राज्यों में 59 टीमें बनाई गई हैं जो नज़रें पूरी तरीके से हालात पर बनाए हुए हैं। लेकिन यातायात पर भी इस तूफान का पूरा असर पड़ा है। तूफान के चलते 300 फ्लाइट्स हैं जिनको रद्द किया गया है, 552 ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फ्लाइट्स और ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे उड़ीसा से, एक बड़ी खबर आपको बता दें, भद्रक में तेज हवाएं और भारी बारिश इस वक्त हो रही है। अपडेट वहां से मिल रहा है हमको, चक्रवात के चलते उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पेड़ उखड़ चुके हैं। तो देखिए, तेज हवाएं चल रही हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं हैं, यानी कि ये हवाएं इतनी तेज है कि अगर कोई इंसान बाहर खड़ा हो जाए तो ये हवा उस शख्स को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाए। ऐसी तस्वीरें आती हैं, आपने देखा होगा कई दफ़ा जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छत पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है या गिर जाती है। जो कार पार्क होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हवा में, वो अपने साथ बड़ी बड़ी चीज़ों को भी उखाड़ कर ले जाती है। और इसीलिए जो तमाम पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। रफ्तार बहुत तेज़ हवाओं की है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कहा जा रहा है कि हवाएं वहां पर चल रही हैं। बड़ा अपडेट आपको दाना तूफान को लेकर दे रहे हैं। 500 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों से कहा जा रहा है कि घरों में रहिए। 10 लाख लोग हटाए गए हैं सुरक्षित जगहों पर, उनको पहुँचाया गया है। प्रशासन की टीम अलर्ट है। उड़ीसा के तट से दाना तूफान टकराया है, लैंडफॉल उसका हुआ है।